स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेहा की रसोई में। तो आज हम लोग मटर पनीर बनाने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने लिया है पनीर। पनीर को हमने तल लिया है पहले ही, और ये हमने लिया है हरा मटर, और यहाँ पे है तेज़पत्ता है, और यहाँ पे लहसुन है, मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, और ये अदरक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, इसी कढ़ाई में हमने जो पनीर है उसको तला था, तो इसी में हम लोग पनीर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मेथी डाल देंगे, तेल हमारा गरम है, और तेज़पत्ता, तो इसको डालने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे लहसुन, मिर्च, अदरक, तीनों चीज़ों को हमने इसमें एक साथ डाल दिया है। और इन सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्राई करेंगे, तल लेंगे थोड़ा। तो अब हम लोग इसमें प्याज डाल देंगे, और प्याज को भी भून लेंगे। प्याज को अच्छी तरह से हम लोग भूनेंगे, और इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं अच्छी तरह से हम लोग भून लेंगे। तो ये देखिए, प्याज जो है अच्छे से हमने भून लिया है। तो अब हम लोग इसमें मटर डाल लेंगे, और मटर को भी अच्छी तरह से हम लोग भून लेंगे कुछ देर के लिए। ये देखिए, मटर को हमने भूना है। तो उसके बाद हम लोग इसमें टमाटर भी डाल देंगे, और इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम लोग इसमें मसाला डाल देंगे। तो इसमें मसाले में हमने गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर था, तो हमने इसे मिलाया है और इसमें हमने डाल दिया है। तो मसाले को जो है हम लोग भूनेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, मसाला जो है अच्छी तरह से हमने भून लिया है। तो अब हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम लोग इसमें पनीर जो है हमने तल के रखा था उसको हम लोग पनीर को डाल देंगे इसमें। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इसके बाद इसको ढक देंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे पनीर को होने में। पनीर जो है वो बन के तैयार है। हमने इसमें ऊपर से धनिया पत्ता डाला है। तो ये देखिए, गर्मा गर्म मटर पनीर बन के तैयार है। इसमें हमने ऊपर से धनिया पत्ता डाल के सर्व किया है। तो आप लोग भी एक बार इस तरह से घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा बना के। और कैसी लगी आप लोग को हमारी ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।